जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 22 अगस्त और वार है गुरुवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज का क्या भाव है। किसान भाई, अगर भाव की बात करें तो भाव अच्छा है। पहले तो कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, देखो क्या होता है, कभी कभी काम आ जाता है। सही बात बताऊँ तो काम आ गया था, कल मैं ऑफिस भी नहीं गया। दूसरी माफ़ी इस चीज़ के लिए चाहूँगा कि कल ही नहीं, रोज़ कहीं ना कहीं मेरे पास किसान भाइयों के, मान के चलो 50 से 60 फ़ोन आते होंगे, कम से कम बता रहा हूँ ये, और उसमें भी बार बार रिपीटेशन में। तो किसान भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, इतने फ़ोन उठा पाना, और मैसेज भी बहुत आते मेरे पास, तो इतने फ़ोन उठा पाना और इतने मैसेजों का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। आप समझो उस चीज़ को, क्योंकि 12:30 बजे से 1 बजे के आसपास मेरे को ऑफिस भी जाना पड़ता है और ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। तो वो तमाम तरह की चीज़ें हैं, मैं सेवा दे रहा हूँ आपको, बाकायदा आपको सेवा मिलती रहेगी ये वाली, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने फ़ोन नहीं उठा पाऊँ। आप समझो उस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं वही करता रहा तो शायद मैं जो दोपहर में मेरा काम है वो काम ही नहीं कर पाऊँ। आप समझो उस चीज़ को, उस चीज़ से मेरा घर अच्छी तरीके से चल पाता है, उस चीज़ को आप समझने का प्रयास करो, वो भी मेरे लिए ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं आपको बार बार बोल चुका, नंबर ये मेरा जो नंबर है वही नंबर है। उसमें अगर हाँ कोई आपका अन्य प्रश्न है, या फिर कोई अगर स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रश्न है जो सबके लिए कॉमन है, तो वीडियो अपना आ ही रहा है, या अपने को ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न आया जिसका वीडियो बनाना और उसको वीडियो बनाने के बाद उसको बताना, इस तरह के अगर आएंगे व्हाट्सएप पे मेरे पास प्रश्न तो अच्छा रहेगा। किसान भाइयों के प्रश्न आते हैं, क्या भाव गया, क्या भाव जाएगा। देखो मैं बार बार बोल चुका हूँ, वीडियो में आ रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन अगर एक एक को इस तरह से जवाब देता रहा या फिर आंसर करता रहा, बोलता रहा उनसे, तो मुझे लगता है कि मैं दिन भर अपना जो काम कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँ। आप समझो उस चीज़ को, उसमें बुरा मानने वाली भी बात नहीं है, मेरी मजबूरी समझने का प्रयास करो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको एक बात बोला था कि अपने पास 15 सितंबर या 10 सितंबर तक तो चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहो। अभी भाव भी अच्छा है, अभी 35-36 भी बिका है, 35 भी बहुत सारे लोट बिके हैं, 36 भी बिके हैं, 35-36 तक देखा है। कल भी सुना, कल भी अच्छा मार्केट था, हाईएस्ट शायद 37 या 37.5 तक गया था कल भी। कल आवकें कम थी, आज आवकें बनिस्पत मान के चलो कि 50,000 के आसपास आवकें होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं कि जो मैंने 20 दिन का बोला था उसमें थोड़ा सा और संशोधन कर लो। आप संशोधन क्या करना है, मैंने बात इसलिए बोली थी कि कर्नाटक में जो कर्नाटक की फसल आने वाली थी उसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं था, कि वो कुदरत की बात थी। मैंने आपको पहले ही बोला था सब कुदरत के ऊपर रहेगा वो चीज़। तो अभी वहाँ सुनने में आ रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और जिसके कारण फसल ख़राब हो रही है। अगर वहाँ की उन किसान भाइयों की फसल ख़राब होती है तो निश्चिंता ये है कि प्याज के भाव में और वृद्धि होगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा कुदरत के ऊपर है, इसलिए मैंने आपको बोला था 20 दिन तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब वहाँ अगर ख़राब होती है, हम तो ये चाहेंगे नहीं कि किसान भाई की, किसी भी किसान भाई की फसल ख़राब हो। ये भाव भी अपने लिए अच्छे हैं, उनको भी भाव मिल जाए, अपने को मिल जाए, लेकिन कुदरत का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ सुनने में आया कि वहाँ की फसल ख़राब हो रही, अगर वो फसल ख़राब होती है तो निश्चित रूप से जो 40 का मैंने बताया था 40 के आसपास भाव आ जाएगा, मैं अब बता रहा हूँ वो भाव 50 के आसपास जाएगा, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है, अगर ख़राब होती है तो। और अपन कभी नहीं चाहेंगे कोई भी किसान भाई की, किसी किसान भाई की फसल ख़राब हो। कुदरत क्या करती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैंने 10 तारीख तक का बोला था, 10 सितंबर तक 20 दिन और अगले, कि चिंता की कोई दिक्कत नहीं। और अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही है कि अब इस तरह की अगर वहाँ बरसात हो रही है, ख़राब हो रही है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं दिख रही सामने। लेकिन ये दुख की बात है कि बेचारों उनकी फसल ख़राब हो जाएगी, खैर वो अपने कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपकी फसल ख़राब हो रही है, प्याज ख़राब हो रहा है, तो भाई साहब उसको रोकने का प्रयास ना करें। और मैं तो ये बोलता हूँ कि बाकी दूसरी फसल भी जो ख़राब नहीं हो रही अपना प्याज, उसको भी थोड़ा थोड़ा चलने दें। ये ना सोचिए यार कि और ज़्यादा जाएगा, जो चल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा निकालते रहें। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। और कल के लिए वापस से आपसे माफ़ी चाहूँगा। क्या लिखा है वाला? क्या लिखा है वाला? 36 रुपए ना?
36 भाई, ये वाला गया 36 रुपए के हिसाब से। यहाँ देखो बहुत बढ़िया प्याज है, बड़ा साइज प्याज भी आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा इसमें छोटा साइज भी आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला गया 36 रुपए के हिसाब से। कितना 36 ही गया ना, 36 रुपए। और ये वाला क्या था, 34 और इधर एक 34 में गया 34 रुपए के हिसाब से। ये देखो व्हाइटनेस आ रही कहीं ना कहीं प्याज में, अगर आप देखेंगे तो चॉकलेटी भी हो रहा है कहीं ना कहीं। ये क्या है, 34 रुपए। किसान भाई देखो 34 वाला माल और 36 वाला, दोनों आप मैच करो, मेरा यही बोलना रहता हमेशा कि दोनों देखो, उधर आपको गुलाबी ज़्यादा दिख रहा है, इधर चॉकलेटी ज़्यादा दिख रहा है, तो ये मेन अंतर आता है, इस कारण कहीं ना कहीं भाव में अंतर आ जाता है प्याज। ये किसका माल है, क्या भाव गया था, 33 रुपए। अरे 33 नहीं, अरे ये 36 गया, 36 गया, 36। और एक 34 वाला किसका माल था, ये आपका ही माल था क्या, अपना नहीं, ये किसका माल था है? जय जवान जय किसान। ये माल किसका था, ये किसका है, ये वाला क्या गया, ये 35 वो 36। किसान भाई ये वाला गया 35 रुपए के हिसाब से, 35 रुपीज़ के हिसाब से, 35 रुपए के हिसाब से। प्याज देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं व्हाइटनेस भी दिखेगी आपको, और ये गया गुलाबी है, ये गया 36 रुपए के हिसाब से, ये भी गया 36 रुपए के, 36 रुपए। ये वाला 35 है ना इनका, ये प्याज आपका दादा, तो आपने बिकते हुए देखा ना, क्या भाव बिका है, अरे बिकते हुए देखा है आपने, ये 35 रुपए वो 36। किसान भाई वो जो 36 वाला बताया, 36 और ये 35, क्या भाव बिका, 35। ये वाला था ना 35 वाला, ये तो 36 का एक वाला, तो ये वाला, ये किसका एक और। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम, चलिए थोड़ा और आगे चलते, लगा हुआ जय जवान जय किसान, 35 लगा हुआ, 32 क्या बिका, ऊंचे में कितना, 35 उधर आगे स्टार्टिंग वाला होगा ना, 150। चलिए उधर भी देखिए, किसान भाई एक माल बिका है 35 रुपए के हिसाब से, उल्टा है, बढ़िया साइज अगर देखेंगे तो गोल्टा की। ये वाला क्या गया दादा, 35 रुपए, और ये बाकी गोल्टी, और ये इसका नहीं पता है क्यों, गोल्टी क्या गई थी, गोल्टी 28 से 31। ये वाला क्या गया लास्ट अभी, ये वाला 28, और ये वाला 31। किसान भाई ये वाली जो गोल्टी है ये बिकी 28 रुपए के हिसाब से, बिल्कुल छर्री पैटर्न में कहीं ना कहीं, और ये वाला जो गोल्टा है ये गया 31 रुपए के हिसाब से, पत्ती निकल रहा है आप देख, मतलब ये जो गुलाबी है, गुलाबी नहीं है कहीं ना कहीं, ये 28 है ना, 28 ये आपका ही माल है। ये पहले क्या भाव बेचा था आपने, 15। कब की बात है, एक महीना पहले, अब भाव बढ़िया मिल रहा है, रोक के गलती तो नहीं करी, थोड़ा थोड़ा निकाल रहे थे ना, लेकिन ऐसा तो नहीं बिल्कुल रोका हुआ था। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम, ठीक है दादा, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और पता करते हैं क्या भाव जा रहा। यो पंकज भैया क्या क्या हाइएस्ट, 33 रुपए किसान भाई लगा हुआ है, 33 लगा हुआ फिलहाल, और अब बढ़िया माल है हुआ किसान भाई, 33 रुपए क्या माल है, अरे अभी नहीं आई दादा, अभी नहीं आई, 33 रुपए तेजी आएगी इस समय, इसका वेट कर रहे हैं हम। किसान भाई ये वाला गया 33 रुपए के हिसाब से, 33 रुपए। गोल्टा देखेंगे इसमें, बढ़िया गोल्टा है, बड़ा साइज भी कहीं के आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या 33 रुपए, जय जवान जय किसान, अरे ओ जुम्मा। चलिए आगे चलते हैं, देखते 350 3050 लगा हुआ किसान भाई, ये 3050 रुपए बिक रहा है, ये किसकी बिका है, क्या है वाला, 35 रुपए। किसान भाई एक माल बिका है 35 रुपए के हिसाब से, माल देखो बढ़िया माल है, इसमें छोटा साइज भी है, बड़ा साइज भी है, पत्ती गुलाबी बढ़िया है, 35 रुपए ना किसान है क्या इसका, 35। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हो दादा, नीचे वाला माल है, माल है ये तो दागी वाला, ये वाला क्या गया, 35 ओहो ओहो, आए आए, एक मिनट देख लेते, किसान भाई ये वाला
बोला गया 35 रुपए के हिसाब से प्याज, 35 रुपए। बढ़िया प्याज है, बड़ा साइज प्याज है और शानदार है, पत्ती भी अच्छी मजबूत है। अरे अरे ये किसका माल है? ये 35, ये वाला? ये अपना नहीं है, ये आपका है। क्या नाम दादा आपका? शेखर प्रजापति। शेखर जी कहाँ से आए? आज क्या भाव गया प्याज? 35। इससे पहले क्या भाव बिका था? इससे पहले नहीं बेचा दादा। बिक गया अपना? क्या भाव बिका? 35। और ये एक दो दिन पहले भी आए थे ना आप, तब क्या भाव बिका था? कल भी बिका था 35.5। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। चलिए थोड़ा आगे चलते, माल बिक गया, क्या भाव बिका? 33 दादा आपका? 34 दादा आपका? 35 अभी नहीं बिका है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। क्या क्या वाला क्या भाव बिका? 30। ये वाला 36। ये वाला? अरे हाईएस्ट क्या गया? हाईएस्ट 35। और ये वाला क्या गया? 36 हाईएस्ट है ना। ये वाला क्या गया किसान भाई? ये वाला माल एक जो बिका 35 रुपए के हिसाब से, 35 रुपए। बढ़िया प्याज है, गुलाबी है। आपका है? आपने बिकते हो देखा। ये किसका माल है? जय जवान, जय किसान, जय बलराम। चलिए आगे देखते हैं और क्या भाव जा रहा है। ये वाला बिका 34 रुपए के हिसाब से, 34 रुपए के हिसाब से, 34। आपका माल है दादा? क्या नाम है? क्या भाव बिका है? 34 रुपए 15 पैसे। चलिए जय जवान, जय किसान। चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं और क्या भाव जा रहा है, देखा जाए आगे। क्या लग गया सेठ? क्या गया वाला? वो वाला क्या गया? 35 35। आपका माल है? क्या नाम दादा? चौधरी जी कहाँ से आए? आज क्या भाव बिका अपना प्याज? 34.5। और कल लेके आए थे क्या? पहले कब लेके आए थे? 2 महीने पहले आए थे। उस समय क्या बिका था? 29। और आज है 34.5। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। किसान भाई ये वाला बिका 34.5 रुपए के हिसाब से, बढ़िया प्याज है, गोल्टा भी इसमें और मीडियम साइज कहीं कहीं प्याज भी दिख रहा है, 34.5। चलिए दादा थोड़ा आगे चलते हैं, समझते और आगे क्या भाव जा रहा है। क्या लग रहा? 34 लगा हुआ अभी। अरे ये क्या गया? ये वाला क्या भी? 35 वाला? ये वाला 150। ये वाला बिका 35.5 रुपए के हिसाब से, 35.5 रुपए के हिसाब से बिका कहीं ना कहीं। किसका माल किसका है? क्या भाव बिका है? 35.5। ये वाला क्या गया पीछे वाला? 34। किसान भाई एक और माल बिका 34 रुपए के हिसाब से, ये वाला माल बिका 34 रुपए के हिसाब से, बढ़िया प्याज है, सूखा प्याज है, 34 रुपए। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। चलिए थोड़ा आगे चलते देखते हैं मार्केट। भैया पैंतीस 36 हाइएस्ट यही है शायद। कितना हुआ फाइनल? ये 36 रुपए। किसान भाई ये वाला बिका 36.5 रुपए के हिसाब से, 36.15 रुपए 25 पैसे, सॉरी 36.5 रुपए के हिसाब से, 36.25 रुपए के हिसाब से कहीं। चलिए आगे चलते दादा। बिक गया माल? क्या भाव बिका? क्या बात है। क्या नाम दादा? लीलाधर जी कहाँ से आए? चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। हाईएस्ट 35।
चलिए आगे चलते, देखते थोड़ा और क्या जा रहा है। ये क्या हुआ फाइनल, क्या हुआ? 32 इधर में ये वाला गया 32 रुपए के हिसाब से। तुम आ जाओ, सेट हाईएस्ट क्या गया? 32 लगा हुआ किसान भाइयों, 32 विद्या माल नहीं बिका, अभी नहीं बिका, 32 लगा हुआ किसान भाइयों, 32 33 लगा हुआ किसान भाई, 34 रुपए। दादा आपका माल था ना, इधर ना ये वाला गया 34 रुपए के हिसाब से, कहीं ना कहीं बढ़िया माल है 34 रुपए। ओ भैया क्या भाव बिका है, क्या नाम आपका, कहाँ से आए मानसू जी? ये पहले क्या भाव बिका था? आज ही लाए। चले जय जवान जय किसान जय बलराम। दादा क्या नाम दादा? चौधरी। चौधरी जी आज क्या भाव बिका प्याज? मेरा 35 रुपए। पहले कब लेके आए थे? आज ही लाए। आज ही लेके आए। अभी घर पे कितना माल है? खत्म। दादा आपका क्या भाव बिका? अभी नहीं बिका। और किसका बिक गया? अभी नहीं बिका। आपका 35 51। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम।